हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित और आप देख रहे हैं टेक्निकल फोस्टर। चलिए शुरुआत करते हैं अपने नए एपिसोड गैजेट्स न्यूज़ एपिसोड 2 की। जो फर्स्ट था उसमें हमने आपको बताया था काफ़ी सारे नए आने वाले गैजेट्स और न्यूज़ के बारे में, और अभी भी बताएंगे नए गैजेट्स के बारे में ही। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले जो गैजेट हैं उसकी, वो है हमारी Xiaomi की तरफ से ही है, रेडमी नोट 7 प्रो। आपको पता ही होगा कि Xiaomi के प्रोडक्ट्स ना अभी इंडिया में तो काफ़ी कमाल कर रहे हैं। तो इसमें आपको जो पहला मोबाइल सीरीज़ था नोट का, उसने भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। उसके बाद ये सीरीज़ आगे बढ़ती गई। नोट 6 ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया, पर रेडमी नोट जो 5 था उसमें काफ़ी सारे अच्छे ऑप्शन दिए थे अपग्रेडेशन के, और एज ए रैम मैनेजमेंट, कैमरा परफॉर्मेंस, काफ़ी अच्छा फ़ोन था। तो लोगों ने पसंद किया रेडमी नोट 5 को इंस्टेड ऑफ रेडमी नोट 6। चलिए बात करते हैं इसके नए Redmi Note 7 Pro वेरिएंट की, जिसमें आपको मिलने वाला है एक स्पेशल जो है ना हाईलाइटेड जो चीज़ है वो कैमरा। 48 मेगापिक्सल का इसमें जो कैमरा है वो आपको देखने को मिलेगा, और जो कैमरा है ना वो सोनी की तरफ से है। तो परफॉर्मेंस बेस्ट रहने वाली है या लो रहने वाली है उसका कंपेरिजन अभी तो नहीं कर पाएंगे जब तक मोबाइल लॉन्च नहीं हो जाता है। तो मोबाइल कुछ इस तरह का दिखने वाला है, नोच डिज़ाइन रहेगा, और जो कैमरा है वो डुअली रहेगा। 48 मेगापिक्सल का जो है मेन कैमरा रहेगा, बाकी टेलीफोटिक कैमरा का जो कमाल है वो तो आप पोर्ट्रेट मोड में देख ही पाएंगे। तो कुछ इस तरह का मोबाइल होगा ये, और जो इसका आपको सेंसर मिलने वाला है वो सोनी की तरफ से है, चाइना में शो भी किया हुआ है। तो ये 586 IMX सेंसर इसमें देखने को मिलेगा आपको। जो बाकी परफॉर्मेंस वाइज जो इसके वेरियंट हैं वो पहले की तरह रहेंगे, 3+32 GB वेरिएंट, 4+64 GB, 6+128 GB, और जो बैटरी है वो 4000 mAh ही रहने वाली है। प्रोसेसर का थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया गया है, स्नैपड्रैगन SD जो है वो 660 से 675 कर दिया गया है, एड्रीनो 612 आपको इसमें देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जो हमने वेरिएंट आपको बताया है वो सेम, इट विल रिमेन सेम। बैटरी 4000 mAh कितना परफॉर्मेंस अच्छा देगी नहीं पता है जब तक मोबाइल लॉन्च नहीं हो जाता है। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट जो है अब गैजेट्स की, वो है हमारा ओप्पो की तरफ से। ओप्पो ने कुछ अपग्रेड किया है कैमरे को लेके, 10x की जो ऑप्टिकल जूमिंग है वो इसमें देखने को मिलेगी। पहले 2x की जो ऑप्टिकल जूमिंग थी वो इसमें पहले वाले मोबाइल में ओप्पो के उन्होंने बताई थी कि बेटर परफॉर्मेंस के साथ आपको एक फोटोग्राफी देखने को मिलेगी। सैमसंग गैलेक्सी A9 जो अभी लॉन्च हुआ था उसमें आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस कैमरा ने दी थी। 4 जो कैमरा मोबाइल डिवाइस लॉन्च किया था सैमसंग ने, उसमें 2x ऑप्टिकल जूम के साथ साथ 120 वाइड एंगल और डेप्थ सेंसर कैमरे में 4 कैमरे की जो सीरीज़ थी वो आपको दी गई थी। पर क्या परफॉर्मेंस रहने वाली है, क्या इसमें देखने को मिलेगी ओप्पो की तरफ से 10x ऑप्टिकल जूम में, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो देखते हैं कि क्या होता है। कुछ इस तरह का एक इमेज जो है वो लीक्ड हुआ है इंटरनेट पे, तो ये इसमें कैमरे का जो टेक्नोलॉजी है लेंस को लेके वो कुछ इस तरह की है। और जो A9 सैमसंग गैलेक्सी A9 लॉन्च हुआ था 4 कैमरे को के साथ, वो तो वो अपने आप में एक बेहतर एक्सपेरिमेंट था। अब देखते हैं कि क्या कुछ नया लेके आएगा ओप्पो। तो बात करते हैं नए गैजेट की, जो है मोटोरोला की तरफ से, मोटोरोला रेजर। आपने देखा होगा कि मोटोरोला रेजर जो मोबाइल लॉन्च हुआ था पहले, वो काफ़ी लोगों ने पसंद किया था, फ्लिप मोबाइल था। तो अब क्या इसका जो नया वर्जन आने वाला है वो फ्लिप डिज़ाइन ही रहेगा, बट स्क्रीन बैंड जो है वो देखने को मिलेगी। तो ये सबको पसंद ही था मोबाइल रहा था सबका, मोटोरोला की तरफ से जो था। अब इसमें क्या नया बेहतर लाने वाली है कंपनी मोटोरोला, तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन जो है इसमें आपको देखने को मिलेगा। ये लॉन्च किया करेगी, एक मंथ का टाइम दिया हुआ, एक मंथ के टाइम के बाद ये किस तरह से लॉन्च करेगी कंपनी या ज़्यादा टाइम लेने वाली है देखते हैं। 1 मंथ में भी कमाल हो सकता है, नेक्स्ट 2 मंथ में भी हो सकता है, बट जो एज ए लीक्ड इसकी इन्फॉर्मेशन मिली इंटरनेट पर वो 1 मंथ के लिए ही है, 1 मंथ के बाद कंपनी लॉन्च कर देगी इसे। बात करते हैं अपने नए जो अपडेट है उसके बारे में, जो है सोनी की तरफ से। सोनी ने रियल टाइम ऑटो फोकस कैमरा लॉन्च किया है, सोनी A6400। इसमें ऑटो फोकस AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ है, और दुनिया के सबसे फास्टेस्ट AI ऑटो फोकस में इसको शामिल कर लिया गया है। तो ये सोनी का कैमरा कुछ इस तरह का दिखता है।
ये किस तरह का कमाल करेगा नहीं पता अभी तो, जब तक लॉन्च नहीं होता। तो बैक साइड में एक फ्लिप जो है स्क्रीन है वो आप रोटेट कर सकते हैं साइड में उसे सेल्फी सेल्फी लेने के लिए। तो ये कुछ इस तरह का डिवाइस है, अच्छा है। परफॉर्मेंस कैसी होगी नहीं पता, बट रियल टाइम आई ऑटो फोकस के साथ है, दुनिया में पहला ऐसा कैमरा है जो रियल टाइम आई इफेक्ट देने के लिए तैयार है। बात करते हैं अपने नए जो अपग्रेड है वो इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर को लेके हैं। तो इन्होंने कुछ एनुअल जो है वो सब्सक्रिप्शंस लॉन्च किए हैं प्रीपेड ने, तो आप रिचार्ज करा सकते हैं मैक्सिमम। ये केवल लॉन्च किया है BSNL, जियो, एयरटेल और वोडाफोन ने। आइडिया का कुछ इसमें अभी देखने को नहीं मिलेगा, आइडिया ने कुछ ऐसा अपना लॉन्च नहीं किया है। जो एक 90 डेज का जो है वो आपको देखने को मिलेगा केवल एयरटेल में। इसने 365 का अभी कुछ ऑफ़र नहीं दिया है। तो BSNL और जियो, वोडाफोन, ये सब आपको प्लान देखने को मिलेंगे इसमें एनुअल में, एनुअल सब्सक्रिप्शन के साथ। जो एयरटेल है उसने अपना जो लॉन्च किया है वो 90 डेज के लिए है, 5509 का जो प्लान है उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो भी एनुअल सब्सक्रिप्शन है इसमें एक लिमिटेड जो चीज़ें हैं वो इंटरनेट को लेकर रहेंगी और SMS एंड जो आपके इंटरनेट यूसेज है वो लिमिटेड रहेगा, कॉलिंग अनलिमिटेड रहेगी, कॉलिंग आप कितनी भी कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें जियो की, तो जियो को जो एनुअल सब्सक्रिप्शन है वो 1699 रुपये का है। इसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिलने वाली है, 500 से अबाउट जो GB डेटा है वो आपको देखने को मिलेगा, बट 1.5 GB आप इसे सारे के सारे जो इंडियन टेलीकॉम है उसमें आप यूज़ कर पाएंगे। इंटरनेट का लिमिटेड ही रहने वाला है, मिनिमम 1.5 GB पर डे डाटा आप यूज़ कर पाएंगे, अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ रहेगा। ये था जियो का 1699 का के साथ है। जो वोडाफोन है वो 1499 में है, BSNL भी 1699 में है, एयरटेल 90 डेज के साथ है 509 रुपीज़ में। आइडिया का ऐसा कोई प्लान अभी लॉन्च नहीं हुआ है तो आइडिया के बारे में कुछ कह भी नहीं सकते भी क्या करने वाला है क्या नहीं करने वाला है। और बात करते हैं अपने नए जो अपडेट है उसके बारे में। सबसे अच्छा डिवाइस एंड्रॉयड में जो लोग पसंद करते भी हैं और इंडिया में शायद इतने लोग पसंद नहीं करते हैं इसे, गूगल पिक्सल डिवाइस को। इसका एक लाइट डिवाइस लॉन्च हो रहा है, गूगल पिक्सल 3 जो लॉन्च हुआ था इसका एक लाइट डिज़ाइन मॉडल जो कंपनी ने लॉन्च किया है अभी हाल फिलहाल में ही, एक उसका एक स्पेसिफिकेशन जो है वो लीक कर दी गई है। तो ये इसमें स्नैपड्रैगन अपडेट जो है वो लेस है फ्लैगशिप मोबाइल के रिगार्डिंग। जो स्नैपड्रैगन 855 लॉन्च होने वाले हैं इसके नए डिवाइसेस में, उनसे लो ही स्नैपड्रैगन इसमें दिया हुआ है। स्नैपड्रैगन 670 है जो रेडमी नोट 7 में जो देंगे उससे एक स्टेप बिहाइंड ही है। 4GB के साथ लॉन्च करेगी कंपनी इसे और कैमरे का जो मेगापिक्सल रहेगा वो 12 ही रहेगा, OIS सपोर्ट होगा, कुछ इस तरह का डिवाइस ही होगा, छोटा होगा। तो ये आपको ऐसा कुछ डिज़ाइन इसमें देखने को मिलेगा, सिंगल कैमरा रहने वाला है। पर परफॉर्मेंस आपको पता ही है गूगल पिक्सल के कैमरे की परफॉर्मेंस हमेशा से बेहतर ही रही है। तो बात करेंगे 2G 4G 3G 5G के बारे में अभी जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है। इसमें बात करेंगे कि 2G और 3G और 4G का जो एक स्पेक्ट्रम है इंडिया में लॉन्च किया हुआ है उसमें केवल 22% ही ऐसे टावर हैं हमारे जिसमें जो फाइबर है ना वो यूज़ किया हुआ है केवल 22% पे। मतलब कनेक्टिविटी इतनी फास्ट वर्ल्ड वाइड में जो अभी देखने को मिलेगी 4G की वो इंडिया में अभी ऐसी लॉन्च ही नहीं हुई है। मैक्सिमम जो मेमोरी है वो एक आम आदमी अभी देख ही नहीं पाया है, 5G की तो बात बहुत दूर की है। तो 5G को अभी 2022 में आपको देखने को मिलेगा, ये मे बी पहले भी हो सकता है बट रूमर्स 2022 तक एवरी सिटीजन को बोल रहे हैं कि किस जो स्पीड है उसे देख पाएंगे, क्योंकि फाइबर कनेक्टिविटी करनी ज़रूरी है। फाइबर ऑप्टिक्स के जो केबल्स हैं वो केवल 22% पे लगे हुए हैं, तो क्योंकि 4G की स्पीड भी इसलिए कम ही रहती है। जब तक 80% नहीं हो जाएगा, जब तक इसे इंडिया के सारे लोग इतनी मैक्सिमम स्पीड पे नहीं इसका जो है फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। चाइना में 80% जो टावर्स हैं वो फाइबर ऑप्टिक्स केबल से कनेक्टेड हैं, दैट्स वाई। तो बात करेंगे अपने एक नए अपडेट की जो है LG की तरफ से। LG का रोलेबल डिस्प्ले TV है जो LG सिग्नेचर TV OLED है R9 लॉन्च किया है कंपनी ने रोलेबल डिस्प्ले के साथ है। इसकी जो सबसे ख़ास बात है रोलेबल डिस्प्ले है, कुछ इस तरह का
डिवाइस है जो सिग्नेचर LG सिग्नेचर लॉन्च किया है कंपनी ने, CES 2019 में लॉन्च किया था। और इसमें आपको ना स्पेस जो है वो कम रहेगा देखने के लिए, आप इसे रोलेबल करके अंदर इसमें डिवाइस में वो अंदर चला जाता है, तो इससे वो स्पेस है जो स्पेस भी कम रहेगा जो इसमें इस तरह का रहेगा। ये फुल डिस्प्ले होगा वो पूरा का पूरा ऊपर तक चला जाएगा, जो लेस रहेगा वो नीचे आप इसे म्यूज़िक में या किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब फुल टीवी का एंटरटेनमेंट लेना हो आपको तो वो आपका फुल व्यू एंगल आपका पूरा का पूरा ऊपर आ जाएगा, बट जब आपको लेस करना हो उसे म्यूज़िक के रिगार्डिंग या कुछ और इंफॉर्मेशन जैसे कि वेदर न्यूज़ एंड ऑल दैट, तो वो इसमें आप एक रोलेबल उसे नीचे करके उसके क्वांटिटी घटा सकते हैं डिस्प्ले का। कुछ इस तरह का डिवाइस दिखने वाला है, तो कुछ इस तरह का दिखेगा ये। चलिए बात करते हैं अपने नए अपडेट की, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 लॉन्च हो चुका है काफ़ी सारे मोबाइल में देखने को मिलेगा आपको। और क्वालकॉम 855 जो है वो सारे के सारे जो नए डिवाइस लॉन्च होने वाले हैं ना उसमें सब में 855 देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस 5G इंक्लूडेड है। अब इंडिया में 5G लॉन्च नहीं होने वाला है तो काफ़ी सारे लोग 855 चिपसेट को लेंगे, परफॉर्मेंस वाइज आपको इतना इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। 845 जो मोबाइल जिन लोगों के पास है वो बहुत फास्ट चलते हैं और आगे 6 मंथ्स तक वो फास्ट ही चलने वाले हैं। उसमें आपको सारी की सारी अपडेट जो हैं वो मिलने वाली हैं एंड्रॉयड की तरफ से, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आप नहीं भी लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है 855 चिपसेट के जो मोबाइल लॉन्च होने वाले हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस तो फास्ट रहने वाली है। 45 फास्टर GPU और रेडिनो जो GPU रहेगा उसकी जो परफॉर्मेंस है वो 20% अबाव रहने वाली है। तो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस चिपसेट इतना परफॉर्मेंस बेहतर देगी कंपनी, बट जो मोबाइल आने वाले हैं उन्हें लेने या लेने में क्या नुकसान है वो आप 5G के रिगार्डिंग कंपेयर कर सकते हैं। 5G जब तक लॉन्च नहीं होगा तो आप जब तक मैक्सिमम जो डाउनलोडेड बैंडविड्थ है या आपको अपलोड करने की बैंडविड्थ है वो आपको यूज़फुल नहीं रहेगी। तो मेरी तो सलाह यही है कि इसे ना ही ख़रीदें अभी नेक्स्ट 6 मंथ्स तक लॉन्च होने वाले डिवाइसेस को। जब तक 5G लॉन्च नहीं हो जाता है तो तब तक इन्हीं मोबाइल का फ़ायदा उठाइए, ना कि आपने ज़्यादा पैसे खर्च करके नए वाले मोबाइल्स का। वाईफाई जो 6 है नया स्टैंडर्ड है, वाईफाई 6 इसमें इंक्लूडेड है। ये अपग्रेड इसमें एकदम लेटेस्ट है कि वाईफाई 6 का नया स्टैंडर्ड, वाईफाई का एक नया स्टैंडर्ड 855 में आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट अपना जो अपडेट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। विंडोज़ 7 अभी बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते होंगे, नहीं भी करते होंगे, मे बी विंडोज़ 10 के लैपटॉप्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इसके बारे में बस इतना ही बताना है, इसका सपोर्ट एंडिंग कर रही है कंपनी। XP के लिए कर दिया है, विस्टा के लिए कर दिया है, 8 के लिए कर देगी, 7 के लिए होने वाला है। तो 2014 में विंडो XP का जो सपोर्ट था वो एंड कर दिया था। 2017 में विंडोज़ विस्टा जो आई थी, विस्टा आपने काफ़ी सारे लोगों ने इस्तेमाल की होगी, वो लॉन्च उन्होंने सपोर्टिंग जो एंड कर दिया उसका 2017 में। विंडोज़ 7 का जो सपोर्ट है एंड कर देगी 2020 में, जनवरी 2020 में इसका जो सपोर्ट है वो एंड हो जाएगा। काफ़ी सारी कंपनियां अभी इस्तेमाल करती होंगी विंडोज़ 7 को और अभी भी कर रही हैं। विंडोज़ XP भी अभी अनकमर्शियल जो है लोग उसे यूज़ कर रहे हैं। कमर्शियली अगर यूज़ करेंगे तो आप उसका सपोर्ट जो है वो कंपनी की तरफ से तो नहीं उठा पाएंगे, उसका जो भी है उसके फीचर्स उसकी जो सर्विसेज हैं वो नहीं ले पाएंगे। तो विंडोज़ जो 8 है वो भी 2023 में उसका भी सपोर्ट एंडिंग करने का कुछ लीक्ड इसमें हमें मिला है, बट इन्फॉर्मेशन कितनी शार्प है विंडोज़ 8 के लिए नहीं बोल सकते। विंडोज़ 7 के लिए कंपनी ने क्लियर बोल दिया है कि 2020 इसका जनवरी में सपोर्ट एंड कर देगी माइक्रोसॉफ्ट अपनी साइड से। तो हमारे कुछ नए अपडेट्स की न्यूज़ थी, ये आने वाले भी हैं और कुछ होने वाले हैं। तो कुछ कमेंट करना चाहते हैं इनके रिगार्डिंग कमेंट कीजिएगा, कुछ बताना चाहते हैं तो बताइएगा, हमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बेटर अगर मिलेगी तो उसे भी हम अपने न्यूज़ में शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड लाइक सब्सक्राइब करना तो ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अपने नए एपिसोड गैजेट्स न्यूज़ एपिसोड 3 में। थैंक यू सो मच।